जब ब्राउजर्स की बात आती है तो गूगल क्रोम का नाम उसमें सबसे पहले आता है, और आएगा भी क्यों ना, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड 63% शेयर्स को होल्ड करता है। वेल, टू बी ऑनेस्ट, गूगल क्रोम ब्राउजिंग का एक सीमलेस एक्सपीरियंस तो देता है, बट इस एक्सपीरियंस के लिए भी हमको एक कॉस्ट देनी पड़ती है, और वो है हमारा पर्सनल डेटा। वेल, ये बात तो सबको मालूम है कि गूगल हमारे डेटा को ट्रैक करता है ताकि वो हमें पर्सनलाइज्ड एड्स को दिखा सके। अगर इसे भी साइड में रखकर देखें, उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है क्रोम का हैवी रैम यूसेज। और अगर आप भी इस चीज से परेशान है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 क्रोम के अल्टरनेट ब्राउजर्स के बारे में। तो नंबर वन पर है विवल्डी। ये है मोस्ट कस्टमाइजेबल ब्राउजर। अगर आप ऐसा ब्राउजर ढूंढ रहे हैं जिसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकें, तो विवल्डी शायद आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसमें आपको यूनिक थीम्स और डिफरेंट टाइप के कलर शेड्स मिलेंगे, जिस वजह से आप इसमें पूरे ब्राउजर का लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें थीम्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको एक एडिटेबल स्लाइड बार मिलेगा, जिसमें आप अपने सारे सोशल मीडिया के चैट अकाउंट्स, वेबसाइट्स के शॉर्टकट्स को सेट कर सकते हैं, और इस साइड बार को आप किसी भी कॉर्नर पर एडजस्ट कर सकते हैं। वेल, कस्टमाइजेशन के अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी आपको विवल्डी में मिलेगी। विवल्डी जो कि बेस्ड है सेम क्रोमियम बेस्ड कोड पर, जिस पर क्रोम बेस्ड है। इसमें आप अपने सारे ब्राउजर हिस्ट्रीज, सेटिंग्स, बुकमार्क्स को इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं वो अपने गूगल अकाउंट से। प्लस इसमें आप गूगल ड्राइव को भी बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि क्रोम के एक्सटेंशंस को भी सपोर्ट करता है। अगर आप इस ब्राउजर को ट्राई करना चाहते हैं तो विवल्डी ब्राउजर अवेलेबल है विंडोज, मैक्स, लिनक्स और एंड्रॉइड के लिए। और सेकंड नंबर पर आता है फायरफॉक्स, नॉन क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर। स्पीड और प्राइवेसी के बारे में अगर बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स इसमें नंबर वन पर आता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा कंट्रोल मिलता है अपने प्राइवेसी और अपने डेटा को पूरी तरह से सिक्योर करने का। इसमें आपको डेडिकेटेड ट्रैकिंग प्रोटेक्शन का फीचर मिलता है, जो कि आपको प्रिवेंट करता है वेबसाइट के ट्रैक करने से। इवन मोजिला ने इसमें फायरफॉक्स मॉनिटर को ऐड किया है, जो कि आपको ईमेल करके बताता है अगर किसी वेबसाइट पर आपका डेटा और ईमेल अगर ब्रीच हुआ है तो। फायरफॉक्स का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको क्रोम बेस्ड ही सेम फीचर्स मिलते हैं, जो कि इसको एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन बना देते हैं। प्लस इसमें आपको ढेर सारे एडऑन्स एक्सटेंशंस का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आप मल्टीपल टैब्स को एक साथ सीमलेसली ओपन कर सकते हैं, और आपका रैम यूसेज भी ज्यादा नहीं होगा जिस तरह से क्रोम में होता है। वेल, अगर आप लोग फायरफॉक्स पर स्विच करते हैं तो एक बात की तो श्योरिटी है कि आप क्रोम को इतनी जल्दी मिस भी नहीं करने वाले। फायरफॉक्स को यूज करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है विंडोज, मैक, iOS, एंड्रॉइड और लिनक्स पर। थर्ड नंबर पर है सफारी, बेस्ट मैक ब्राउजर। वेल, अगर आप मैक या फिर iOS डिवाइसेस को यूज करते हैं तो आपके फोन में और डिवाइसेस में ये ब्राउजर प्रीबिल्ट इंस्टॉल आता है, जो कि अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव है किसी भी ब्राउजर का। ये फास्ट है, सिक्योर है, और एप्पल ने इसकी सिक्योरिटी पर भी बहुत काम किया है। ये आपको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करता है एड्स से जो आपको ट्रैक करती है और उन्हें ब्लॉक कर देता है, और ये आपको प्राइवेसी रिपोर्ट भी शेयर करती रहती है ताकि आपको पता रहे कि आपको किस तरह से ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर आपको किसी वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ना पसंद है तो इसमें एक डेडिकेटेड रीडिंग मोड भी मिलता है। प्लस आप इसमें किसी भी वेबसाइट के आर्टिकल को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, जब चाहे उनको इजिली रीड कर सकते हैं, और ये अवेलेबल है सिर्फ मैक और iOS डिवाइसेस पर। नंबर फोर पर आता है ओपेरा, जो कि है क्रोमियम बेस्ड सेम क्रोम जैसा ही ब्राउजर। ओपेरा को आए हुए तो काफी टाइम हो गया है, और ये क्रोम के अल्टरनेटिव एक बहुत ही बेस्ट ब्राउजर्स भी है। ये एकमात्र ऐसा ब्राउजर है जिसमें सबसे पहले स्पीड डायल टैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और यूसेज के मामले में भी ये सेम है क्रोम जैसा ही, क्योंकि ये भी सेम कोड पर बेस्ड है क्रोमियम पर। और सबसे बेस्ट चीज, इसमें आपको प्री इनबिल्ड एड ब्लॉकर मिलता है, विच मीन्स आप किसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे और आपको एड्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और इसका दूसरा कमाल का फीचर है ओपेरा टर्बो मोड, जो कि वेबसाइट के डेटा को कंप्रेस कर देता है ताकि वेब पेजेस इजीली लोड हों। बट एक कमाल का फीचर जो है जो काफी हैंडी भी आता है, और वो है इसका इनबिल्ट VPN, जो कि आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और जियो रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स को लूट करने में भी मदद करता है। वेल, अगर आपने अभी तक ओपेरा को ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिए, और ये अवेलेबल है मैक, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, iOS पर। नंबर फाइव पर आता है टॉर ब्राउजर, बेस्ट प्राइवेट ब्राउजर विद VPN। वेल, जो लोग प्राइवेसी फोकस ब्राउजिंग करते हैं, टॉर ब्राउजर उनके लिए सबसे पॉपुलर चॉइस है। ये ब्राउजर जो बना है बहुत ही एंटी सोशल सर्वेलियंस के लिए, और जो वर्क करता है हिडन सर्वर्स पर। ये ब्राउजर आपकी पब्लिक IP एड्रेस को बाउंस करता है ताकि आपको कोई भी वेबसाइट ट्रैक न कर पाए। कमाल की बात तो ये है कि एक बार किसी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जितना भी डेटा क्रिएट होता है ये उस डेटा को डिलीट कर देता है, और जो लोग चाहते हैं डार्क वेब और डीप वेब को एक्सेस करना, वो सब आप इस ब्राउजर के थ्रू इजिली कर सकते हैं। वैसे आप अपने रिस्क पर ही इन वेबसाइट्स पर विजिट करें, बाकी ना करें तो ही बेटर है। इसका बस एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि ये क्रोम और फायरफॉक्स की तरह फास्ट नहीं है, ये स्लो है। बट अगर आप प्राइवेसी कंसर्न हैं तो आप इस ब्राउजर को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, और ये ब्राउजर अवेलेबल है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और लिनक्स पर। नंबर सिक्स पर आता है अवध सिक्योर ब्राउजर, बेस्ट मैलवेयर प्रोटेक्शन ब्राउजर। ये ब्राउजर आता है सिक्योरिटी फर्म अवध की तरफ से, तो ये आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी भी और स्पीड भी। अवध सिक्योर ब्राउजर ऑटोमेटिकली ब्लॉक और हाइड कर देता है उन वेबसाइट्स को और एड्स को, और इंप्रूव करता है वेबसाइट्स के लोड टाइम को। इसका बिल्ट इन एडवांस सिक्योरिटी फीचर आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी बैंकिंग, शॉपिंग वेबसाइट्स पर विजिट करने से। सिक्योरिटी के अलावा अगर इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो ये फास्ट है, और ये फास्ट है।
प्लस आप इसमें अपने बुकमार्क्स, ब्राउजर हिस्ट्रीज को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर सकते हैं क्रोम से। और इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है विंडोज, मैक और एंड्रॉइड पर। और नंबर 7 पर आता है टॉर्च ब्राउजर, बेस्ट एंटरटेनमेंट ब्राउजर। टॉर्च एकमात्र ऐसा क्रोम अल्टरनेटिव ब्राउजर है जो आता है ढेर सारे मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ, जिसमें आपको मिलता है इनबिल्ट मीडिया ग्रैबर टूल, जिससे आप किसी भी वेबसाइट से वीडियोस और ऑडियोस को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वेल, जो कि काफी हैंडी भी आता है और इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड नहीं करने पड़ते हैं, जैसे कन्वर्टर्स, एक्सटेंशंस एक्सेट्रा। इवन आप वीडियोस को डाउनलोड करने के साथ साथ उनको टॉर्च प्लेयर में इजीली प्ले भी कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको इनबिल्ट टॉरेंट क्लाइंट भी मिल जाएगा। इसमें टॉर्च म्यूजिक का यूज करके आप फ्री में सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए इसके अंदर आप टॉर्च गेम्स में जाकर फ्री गेम्स को भी खेल सकते हैं। वेल, अगर आप भी मेरी तरह मीडिया डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड है और आप ढेर सारा कंटेंट डाउनलोड करते हैं, तो ये ब्राउजर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। फिलहाल के लिए ये ब्राउजर सिर्फ अवेलेबल है विंडोज के लिए। और नेक्स्ट है मैक्सथोन क्लाउड ब्राउजर, जो कि है फीचर पैक ब्राउजर। वेल, बाकी सारे ब्राउजर्स की तरह इस ब्राउजर की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। जहां बाकी सारे ब्राउजर्स लिमिटेड फीचर्स को रखते हैं, ये ब्राउजर ढेर सारे फीचर्स से लोडेड है, ताकि आपको एक स्पीडी एक्सपीरियंस मिलता रहे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको इसमें मीडिया डाउनलोडर, स्क्रीन रिकॉर्डर, रीडिंग मोड जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप अपने बुकमार्क्स, टैब्स, एड्रेस बार, न्यू ओपन टैब्स, नोट्स, पासवर्ड, इन सबको आप एक साथ सिंक कर सकते हैं। वेल, यूआई के मामले में ये क्रोम और फायरफॉक्स जैसा तो ब्यूटीफुल तो नहीं है, बट अगर आपके लिए सिक्योरिटी ज्यादा मैटर करती है तो ये ब्राउजर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। वेल, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है विंडोज, मैक और एंड्रॉइड के लिए। नंबर 9 पर आता है माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज 10 सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेगेसी ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर को रिप्लेस किया क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर एज से, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्राइवेसी प्रस्पेक्टिव से इसको देखते हैं तो। और अगर अभी भी आपके दिमाग पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की इमेज छपी हुई है और आपने अगर अभी तक एज को ट्राई नहीं किया है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से कई ज्यादा गुना फास्ट है। इवन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको क्रोम के अंदर भी नहीं मिलेंगे। मीन्स आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर आप किसी भी वेब पेजेस पे इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, हाईलाइट्स कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए। इवन आप इसमें ई बुक्स और पीडीएफ को भी डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। एज का डिजाइन और इंटरफेस जो है वो काफी नीट क्लीन है। साथ में विंडोज 10 के साथ इंटीग्रेटेड होने के कारण आपको इसमें विंडोज डिफेंडर की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्रोम का परफेक्ट अल्टरनेटिव ब्राउजर है, और इसको यूज करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और आईओएस पर। और लास्ट है एपिक ब्राउजर, जो कि है फीचर पैक प्राइवेसी ब्राउजर। ये अल्टरनेटिव ब्राउजर पूरी तरह से प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्ड है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑनियन नेटवर्क तो नहीं है टॉर की तरह, बट ये आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है कुछ काफी कॉमन मेथड्स से। इसमें आपको मिल जाएगा बिल्ट इन ट्रैकिंग प्रोटेक्शन, अल्ट्रासाउंड प्रोटेक्शन और मैलवेयर प्रोटेक्शन। और इसका एक बड़ा कमाल का फीचर है, वो है वन क्लिक एनक्रिप्शन टूल, जिस पे क्लिक करने से ही ये आपके पूरे आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है। एपिक ब्राउजर में कभी भी आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती, और इसमें कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन, कुकीज या ऑटोफिल जैसा भी कोई फीचर नहीं मिलेगा। और जब ये ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट किए हुए सारे डेटा और प्रेफरेंसेस सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है और पूरी तरह से रीसेट हो जाता है। और अगर आप इस ब्राउजर को ट्राई करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस पर। तो ये थे टॉप 10 क्रोम के अल्टरनेटिव ब्राउजर्स। अगर आप इनमें से किसी भी ब्राउजर को ट्राई करना चाहते हैं तो इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। प्लस अभी आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।